गाइस बहुत से बंदे मुझसे पूछ रहे थे नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में। हाँ यार, सभी को जानना है कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर जो नेक्स्ट वेपन रॉयल आएगा वहाँ पर कौन सा गन स्किन होगा। तो भाई आप लोगों के कमेंट के हिसाब से मैं नेक्स्ट वेपन रॉयल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वेपन रॉयल की ही बात करने वाले हैं। एंड बस यार, नेक्स्ट वेपन रॉयल ही नहीं, आज तो मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे अपडेट्स दूंगा। जी हां गाइस, कल हमारे गेम की फाइल के अंदर काफी कुछ यूनिक ऐड हुआ है, जैसे कि हमारे गेम की फाइल के अंदर स्कार्फ रॉयल ऐड हो रखा है। तो आज मैं आप लोगों को स्कार्फ रॉयल के बारे में बताऊंगा। फिर यार, हमारे गेम के अंदर हेलीकॉप्टर आने वाला है, उसका क्या सीन है ये भी तुम लोगों को इस वीडियो में ही पता लगेगा। साथ ही साथ कुछ न्यू बंडल के डिजाइन आ रखे हैं, वो डिजाइन भी आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा ध्यान से देखो, बहुत ही कमाल का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर कुछ ओल्ड रेयर आइटम के रिटर्न का भी इन्फॉर्मेशन है। एंड ये सब तो छोड़ो, आज मैं आप लोगों को बहुत सारे फ्री इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। आइए देख मजा आएगा। हाँ ये गाइस, अभी हम लोग सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप लोगों को टुनाइट अपडेट के बारे में बताता हूँ। देखो यार, आज है 5 तारीख और कल 6 तारीख को हमारे गेम के अंदर आने वाला है ग्लू वॉल रॉयल। जो ग्लू वॉल रॉयल का रिव्यू आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। यार इसका रिव्यू ना मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया था, वो तो ये कल 6 तारीख को आने वाला है। आज का टुनाइट अपडेट है तो मैं फिर से आप लोगों को इसका रिव्यू दिखा रहा हूँ। खैर गाइस, ये जो ग्लू वॉल रॉयल है ये टुनाइट अपडेट है, कुछ ही देर बाद आ जाएगा, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी गाइस, अभी मैं आप लोगों को एक स्कार्फ रॉयल के बारे में बताता हूँ। यहाँ तो गाइस आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो स्कार्फ रॉयल आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये विंटरलैंड स्पेशल स्कार्फ रॉयल है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर विंटरलैंड वाला स्कार्फ है सबसे पहले, जिसका नाम है आईसी मास्क। देन यहाँ पर और भी स्कार्फ है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों को कैंडी बियर्ड मास्क देखने को मिल रहा है, कैंडी बियर्ड मास्क के बाद हम लोगों को यहाँ पर बियर्डी ग्रीम वाला मास्क देखने को मिल रहा है, और लास्ट में गाइस यहाँ पे रेनडियर कवर वाला मास्क है। मास्क नहीं भाई, स्कार्फ है ये, और ये चारों स्कार्फ हमारे गेम के अंदर एक रॉयल में आने वाले हैं, जो रॉयल विंटरलैंड स्पेशल है। आप लोग स्क्रीन पर रिव्यू देख ही पा रहे होंगे। बाकी गाइस आप लोगों को मैं स्क्रीन पर ये विंटरलैंड स्पेशल स्कार्फ रॉयल का रिव्यू करवा चुका हूँ, तो चलो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये स्कार्फ रॉयल के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से बात करते हैं। जी हाँ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्कार्फ रॉयल जो है हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इस मंथ नवंबर में नहीं आएगा। हाँ मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा है, बट गाइस यही सच्चाई है, मैं आप लोगों को बस सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये हमारे गेम के अंदर आएगा नेक्स्ट मंथ दिसंबर में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में ही विंटरलैंड इवेंट स्टार्ट होने वाला है। भाई जब विंटरलैंड इवेंट स्टार्ट होगा तभी ये स्कार्फ रॉयल आएगा ना, दैट्स व्हाई गाइस, अगर आप लोगों को स्कार्फ रॉयल पसंद आ रखा है तो इंतजार करो नेक्स्ट मंथ का। बाकी मैं तुम लोगों को स्कार्फ रॉयल दिखा चुका हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पोस्टर दिखाना चाहता हूँ जो मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से मिले हैं। ये पोस्टर गाइस अभी तक गेम के अंदर ऐड नहीं हो रखे हैं, एंड होप बहुत जल्द ऐड हो जाएंगे। हो सकता है आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो ऐड हो चुके होंगे, लेकिन भाई जब मुझे ये मिले हैं, जब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो अभी तक ऐड नहीं हुए, बस हमारे गेम की फाइल के अंदर अवेलेबल है। और तुम्हें बता दूं यार, मिनी अपडेट आया था एक छोटा सा, उसके बाद ही हमारे गेम की फाइल में आए हैं। बाकी आप लोग स्क्रीन पर देखो, सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो पोस्टर है ये टोर्नाडोस का है, यानी कि यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ सर्कल में कुछ येलो कलर का ब्लैक कलर का मिक्स वाला है डिजाइन। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग आओगे ये आप लोगों को एक हाई जंप देगा, ये बेसिकली सीएस में ऐड होने वाला है। सीएस में आप लोगों को जगह जगह पे टर्नेडो देखने को मिलेंगे, जैसे ही आप लोग इनको यूज करोगे, यूज भी क्या करोगे भाई, टायर की तरह होते हैं, आपको इसके ऊपर से गुजरना है और आप लोग एक हाई जंप लोगे, काफी क्रेजी है भाई ये। देन गाइस हम लोग हमारे गेम के अंदर बीआर में ये कुछ हेलीकॉप्टर टाइप देखने को मिलेगा, जिसका नाम रहेगा स्काई ब्लास्टर। आप लोगों को इसको ढूंढना पड़ेगा और अनलॉक करना पड़ेगा, फिर शायद आप लोग इसको उड़ा पाओगे, कुछ कंफर्म नहीं है, जस्ट पोस्टर ऐड हुआ था वही दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को। ऑलराइट गाइस, देखो ये तो पोस्टर थे जो कि हमारे गेम की फाइल के अंदर आज ऐड हो रखे हैं, बुया थीम के पोस्टर है, बहुत जल्द गेम के अंदर आ जाएंगे और ये दोनों आइटम भी गेम में आ जाएंगे, हेलीकॉप्टर भी और वो जो टोर्नेडो वाला है वो भी। देखो टोर्नेडो वाला आएगा सीएस में और हेलीकॉप्टर आएगा बीआर में। बाकी अभी गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी गाइस मैं आप लोगों को कैसी ट्रिक बताता हूं जिसका यूज करके आप लोग फ्री में डायमंड्स ले सकते हो, तो मेरे सभी बताएगा स्टेप्स को ध्यान से सुनना, ध्यान से फॉलो करना। सबसे पहले गाइस आप लोगों को आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाना है, मैंने पिन कमेंट में विंजो ऐप का लिंक दे दिया है, आप लोगों को सिंपली जाके लिंक में क्लिक करना है। एंड फिर गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर से आप लोग ये विंजो ऐप को डाउनलोड कर लेना, भाई बहुत ही मस्त ऐप है, तो जल्दी से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, और एक बार जैसे ये डाउनलोड हो जाए तो आप लोग इसको इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करने के बाद गाइस इसको आप लोग ओपन कर लेना। फिर जब आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, फिर गाइस यहाँ पर ये साइन अप करने के लिए कहता है। मैं आपको बता दूं, साइन अप करते ही आप लोगों को 500 रुपए मिलेंगे, बट ध्यान देना आप लोगों को साइन अप करना है ना कि लॉग इन। हां गाइस, साइन अप करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अपना ऐसा फोन नंबर डालना है जिससे आप लोगों ने विंजो ऐप में आज से पहले कभी भी अकाउंट ना बना रखा हो। तो भाई अगर आप लोगों ने अपने फोन नंबर से विंजो ऐप में ऑलरेडी अकाउंट बनाया है, तो आप लोग अपने पापा मम्मी किसी का भी फोन नंबर यूज कर सकते हो जिससे विंजो ऐप में अकाउंट ना बनाओ। तो खैर, फोन नंबर डालने के बाद आप लोगों को सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, एंड आप लोगों के फोन नंबर में जो भी ओटीपी आए आप लोग वो ओटीपी को यहाँ पर डाल के वेरीफाई ओटीपी कर लेना। बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है, चुटकियों में हो जाएगा। फिर गाइस ये कुछ परमिशन मांगता है, उसको एलो करना, एंड अब आप लोग गेम के अंदर आ जाओगे। लेकिन एकदम से आपको यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा, बोनस के लिए पहले आप लोगों को यहाँ पर एक गेम खेलना होगा। यहाँ पर काफी सारे गेम
फ्री में खेलने को मिलते हैं। आप लोग कोई सा भी फ्री वाला गेम खेल लेना। मैं तो भाई यहाँ पर नाइफ अप गेम खेल रहा हूँ, ये गेम मुझे काफी पसंद है। आप लोग गाइस अपने मन पसंदीदा किसी भी गेम को यहाँ पर से खेल लेना, फ्री में खेलना है। एंड जैसे ही आप लोग गेम खेल लोगे तो फिर गाइस बहुत ही इजीली आप लोगों को यहाँ पर से पैसे मिल जाएंगे। आप लोग देखो यहाँ पर मैंने गेम को आगे नहीं बढ़ाया, कैंसिल कर लिया, वरना गेम फिर स्टार्ट हो जाता। तो अभी आप लोग देखो यार मेरी आईडी के अंदर 550 रूपए आ चुके हैं जो की साइन अप बोनस है। तो भाई अभी ये जो 550 रूपए इसको आप लोग विंजो ऐप में यूज करके फ्री में गूगल प्ले रिडीम कोड बना सकते हो। आप लोग देखो विंजो स्टोर के अंदर मैंने यहाँ पर 495 रूपीज का गूगल प्ले रिडीम कोड बनाया है। हाँ गाइस 500 वाला गूगल प्ले रिडीम कोड सिर्फ 495 में बन जाता है, 5 रूपए का डिस्काउंट। खैर फिर यार सिंपली आप लोग इस रिडीम कोड को रिडीम कर सकते हो गेम के अंदर, बहुत मस्त ट्रिक है। आप लोग भी जाओ, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। विंजो ऐप को डाउनलोड करो, नए नंबर से रजिस्टर करो और फ्री में डायमंड्स लूट। ऑलराइट गाइस अभी मैंने आप लोगों को फ्री डायमंड ट्रिक के बारे में बता दिया, तो हम लोग आगे बढ़ते और बात करते कुछ इवेंट्स के बारे में। जैसे कि यार मैं आप लोगों को अभी हमारे गेम के अंदर आने वाले आर्टिक ब्लू बंडल रिटर्न के बारे में बताता हूँ। जी हाँ गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये रिंग इवेंट देखो, ये जो रिंग इवेंट है यहाँ पर हम लोगों को आर्टिक ब्लू बंडल रिटर्न पे देखने को मिलने वाला है। वैसे आर्टिक ब्लू बंडल ही नहीं, यहाँ पर डार्क रबी बंडल भी आएगा, फिर एटर्नल बंडल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, एटर्नल एसेंस बंडल। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर हम लोगों को एटर्नल एवेंजर बंडल भी देखने को मिलेगा। भाई सारे बंडल काफी अच्छे हैं, आप लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हो, 4 बंडल है ये रिंग इवेंट के अंदर, चारों ही बहुत सही लग रहे हैं। एंड पर्सनली भाई मैं आप लोगों का अगर अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मुझे रिंग इवेंट काफी पसंद तो आया, लेकिन एक ही दिक्कत की बात है भाई मैं यहाँ पे स्पिन नहीं करने वाला हूँ। एंड सच बताऊं तो भाई मैं बहुत ही कम इवेंट में स्पिन करता हूँ, आधे से ज्यादा जो इवेंट आते हैं उसमें मैं स्पिन करता ही नहीं हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि भाई मैं गेम के अंदर टॉपअप नहीं करता हूँ, और दूसरी बात कोई अच्छे इवेंट आते ही नहीं है। मैं पहले बहुत टॉपअप करता था तो मेरे पास ऑलमोस्ट सभी आइटम्स पहले से बड़े हैं, आर्टिक ब्लू बंडल भी मेरे पास पहले से है, तो मैं तो इस रिंग इवेंट में स्पिन नहीं करूंगा। बट हाँ गाइस अभी आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि क्या आप लोग इस रिंग इवेंट में स्पिन करोगे या फिर आप लोग भी स्पिन नहीं करने वाले हो। वैसे गाइस एक चीज मिस कर दी मैंने, वो है ये रिंग इवेंट का कंफर्म डेट। तो देखो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रिंग इवेंट है ये हमारे गेम के अंदर इसी मंथ नवंबर में आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को नवंबर मंथ की एंडिंग में 22 या फिर 23 तारीख के आसपास ये रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। एंड ऐसा इसीलिए है क्योंकि उससे पहले हमारे गेम के अंदर भूया स्पेशल रिंग इवेंट आने वाला है। वैसे भाई मैंने पहले की कई सारी वीडियोस में आप लोगों को भूया स्पेशल रिंग इवेंट का रिव्यू करवा दिया है, लेकिन चलो आज फिर से मैं आप लोगों को भूया स्पेशल रिंग इवेंट का रिव्यू करवा ही देता हूँ। जी हाँ गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो रिंग इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये हमारे गेम के अंदर आने वाला भूया रिंग इवेंट है। यहाँ पर भाई काफी अच्छे अच्छे आइटम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि भाई यहाँ पर हम लोगों को एक बंडल देखने को मिल रहा है, थॉमसन की स्किन देखने को मिल रही है जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। हाँ गाइस ये थॉमसन की स्किन का लुक तुम लोग देखो, क्या तगड़ा लुक है। बाकी अगर हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो भाई ये थॉमसन की स्किन के अंदर हम लोगों को डबल डैमेज सिंगल रेंज प्लस देखने को मिल रही है, हालांकि रिलोड स्पीड माइनस में है। देखो भाई आजकल जो भी गन स्किन हमारे गेम के अंदर आती है ऑलमोस्ट सभी गन स्किन में रिलोड स्पीड माइनस में ही होती है, बट भाई तुम लोग एक बार ये साइबर क्लॉस थॉमसन को देखो तो सही, लुक बहुत अच्छा है और एट्रीब्यूट्स भी काफी बढ़िया है, डबल डैमेज और सिंगल रेंज प्लस में बहुत तगड़ा परफॉर्म करने वाली है। खैर अभी गाइस क्योंकि मैं आप लोगों को ये प्रॉपर रिंग इवेंट का रिव्यू करवा चुका हूँ, एंड शायद मैंने इसका कंफर्म डेट भी तुमको बता दिया जो कि 8 तारीख है। हाँ गाइस 8 नवंबर के दिन ये रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर आएगा। वैसे भाई आज मैंने आप लोगों को बहुत से इवेंट्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, मैंने आप लोगों को अपकमिंग 2 रिंग इवेंट दिखा दिए, भूया इवेंट के रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को अपडेट दे चुका हूँ। तो चलो यार अभी हम लोग आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट वेपन रॉयल। देखो भाई मैं जानता हूँ वेपन रॉयल को अभी थोड़ा सा टाइम है, बट भाई नेक्स्ट वेपन रॉयल कंफर्म हो चुका था तो रिव्यू करने में क्या जाता है। हाँ जी तो गाइस आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो गाइस MP40 का वेपन रॉयल है लगभग यार बहुत टाइम से पेंडिंग है, तकरीबन भाई 3 से 4 महीने हो चुके हैं। ये वेपन रॉयल अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आया है, काफी बार लीक्स आते हैं लेकिन कुछ खास होता नहीं है, एंडिंग में वेपन रॉयल चेंज हो जाता है, बट इस बार भाई अभी से ही लीक्स आ चुके हैं कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट वेपन रॉयल में यही MP40 का स्किन आएगा। हाँ गाइस अभी रिसेंट में हमारे गेम की फाइल के अंदर MP40 की PNG ऐड हुई है वेपन रॉयल वाले सेक्शन के अंदर। तो देखो भाई क्लियर सी बात है, गरीना गधा है नहीं जो फालतू में PNG ऐड करेगा, वो भी वेपन रॉयल वाले सेक्शन में। हाँ गाइस आप लोगों को मैं एग्जैक्ट बताऊं तो हमारी जो गेम की फाइल होती है वहां पर गरीना अलग अलग PNG ऐड करता है, लेकिन वही आइटम वही इवेंट की PNG ऐड करता है जो आइटम या फिर इवेंट हमारे गेम के अंदर बहुत जल्द आने वाला होता है। अब देखो भाई अभी ये रिसेंट में MP40 की PNG हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड हुई है, एंड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वेपन रॉयल वाले सेक्शन में ऐड हुई है, तो इसका साफ सीधा मतलब है कि नेक्स्ट वेपन रॉयल में यही MP40 की स्किन आएगी। बहुत शानदार MP40 की स्किन है, मुझे पता है भाई ये बहुत टाइम से पेंडिंग है, एंड शायद 2-3 बार मैंने भी आप लोगों को इसका रिव्यू पहले दिखाया था, बट भाई ये वेपन रॉयल के अंदर आई नहीं, लेकिन अब की बार भाई पूरी कंफर्मेशन है नेक्स्ट वेपन रॉयल में यही MP40 का स्किन आने वाला है। मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि लुक वाइज एट्रीब्यूट्स वाइज ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और मुझे पता है भाई तुम लोगों को भी ये जरूर पसंद आई होगी। मुझे पता है बहुत से लोग कह रहे होंगे यार इसके एट्रीब्यूट्स क्या ही अच्छे हैं, डबल रेंज सिंगल मैगजीन प्लस में इससे क्या ही होगा। तो देखो भाई इससे क्या नहीं बहुत कुछ होगा, आपको पता है यार MP40 को वैसे भी हम लोग एकदम क्लोज रेंज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, थोड़ी सी रेंज में डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि यार क्लोज रेंज में 100
शॉटगन का डैमेज बहुत ज्यादा होता है। तो अब तुम लोग खुद ही सोचो, MP40 का रेट ऑफ फायर बहुत तेज है, अगर उसमें डबल रेंज बढ़ जाएगी तो आप लोग थोड़ा दूर की रेंज में भी बहुत अच्छा डैमेज दे पाओगे। और भाई रेट ऑफ फायर तो बहुत तगड़ा होता ही है MP40 का, तो भाई बंदों की तो रेड ही मिल जाएगी, बाकी मैगजीन प्लस है तो गोलियां भी ज्यादा आएंगी। सच में यार बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स है, एक बार आप लोग ध्यान से सोचना, बहुत कमाल की चलेगी MP40 की स्किन। बाकी फिलहाल गाइस अभी मैं आप लोगों नेक्स्ट वेपन रॉयल का रिव्यू करवा चुका हूं, एंड मैं जानता हूं आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगा, इसलिए अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड वैसे भाई मेरे पास अभी और भी अपडेट्स हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, तो अगर अब मैंने किसी और इवेंट को ऐड करा तो भाई ये वीडियो नहीं बल्कि एक मूवी बन जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा यार। दैट्स व्हाई गाइस हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।